बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ शगुफ्ता सलाम। आज मैं आपको वर्ड पर ब्रोशर डिज़ाइन करना बताऊंगी। तो ये ब्रोशर की हमने पिक्चर इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर के ज़रिए ली हुई है, तो ये बहुत ही ईजी ब्रोशर है। आप इसी तरह कोई सा भी शेप्स की मदद से ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल जैसे ग्राफिक के सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं इलस्ट्रेटर और कोरल वगैरह पर, उस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इंसर्ट में गई, इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। और इंसर्ट में जाने के बाद मैं शेप्स में गई, और शेप्स में जाने के बाद मैंने यहाँ से, अभी देखिए ऊपर जूम करके आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। इस पर ए बना हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने। और टेक्स्ट बॉक्स लेकर ड्रॉ किया इस तरह से। अब आप इसमें चाहें तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। कलर दे दिया मैंने शेप फिल में जाकर इसमें, और शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर दिया, ठीक है। और एक रेक्टेंगल लिया मैंने और लेकर ड्रॉ किया, इसमें कलर दे दिया शेप फिल में जाकर, मेहरून कलर दे देते हैं। सबके आउटलाइन कलर आपको नील रखने। फिर रेक्टेंगल ड्रॉ किया, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप फिल, थोड़ा सा ग्रेडियंट टच दे देते हैं इसको, ठीक है। और कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल और माउस की, लेफ्ट क्लिक से इसकी, ठीक है। थोड़ा सा पेज लेआउट में जाकर ना, मार्जिन में जाकर इसकी मार्जिन सेटिंग कम करते हैं, ताकि ये इजीली हम फासला कम हो जाए टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखना है, आप लिख सकते हैं। इनके दरमियान स्पेस कम करते हैं, होम में गए और लाइन स्पेसिंग कम की मैंने, और लाइन स्पेसिंग में, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर यहाँ ज़ीरो कर दिया, कलर वगैरह दे देते हैं इस पर। ये होम मेन्यू में देखिए टेक्स्ट कलर आ रहा है, मैंने टेक्स्ट को वाइट दे दिया, और ये नीचे इसको सिलेक्ट करके मैंने साइज इंक्रीज किया यहाँ से, और इसको बोल्ड कर दिया, और इसको भी वाइट कलर दिया। अब इसके अलावा आपको नीचे कोई और टेक्स्ट वगैरह लिखना है, साइज छोटा कर दें, ये बड़ा आ रहा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट में गए। अच्छा, इन सबको हम ग्रुप कर दें, बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल माउस की लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करें सबको, शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से भी कर सकते हैं, शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लें। और ये मेन्यू ओपन होता है फॉर्मेट शेप्स के साथ, इसमें जाकर आप यहाँ से इसको ग्रुप कर दीजिए। अब एक रेक्टेंगल और लिया हमने और ड्रॉ किया,
और इसको हम करते हैं सेंड टू बैक, और सेव फिल में जाकर इसको कलर दे देते हैं। हम ये वाला कलर दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं, अच्छा। अब उसके बाद इंसर्ट में गए अगेन हम, और शेप्स में गए, और शेप्स में जाने के बाद ये रेक्टेंगल टूल लिया, लेकर ड्रॉ किया। इसके अंदर पिक्चर ले आते हैं, सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और शेप फिल में जाकर हम पिक्चर ले लेंगे, वर्क ऑफलाइन। वो पिक्चर आपके पास हो, ये वाली ले ली मैंने पिक्चर, इंसर्ट किया, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करते हैं यहाँ से, और इसको हम क्या करेंगे, पीछे लेके जाना है ना हमें इसके, तो यहाँ से हम कर देंगे सेंड टू बैक, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जूम छोटा करते हैं ताकि पता चले कि अभी किस हद तक वो हुई भी है। यहाँ से भी इसकी छोटा करते हैं, अच्छा। अब नीचे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इंसर्ट में गई, शेप्स में गई, और यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लें या रेक्टेंगल ले लें, फिर लिखना तो वैसे ही बाद में हमें टेक्स्ट बॉक्स में ही है। और शेप फिल में जाकर इसको ग्रीन कलर दे दिया हमने, कॉपी ली थी कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से, शेप फिल में गए, वो कलर दिए, शेप फिल में गए, और अगेन मैंने टेक्स्ट बॉक्स या रेक्टेंगल टूल लिया, नीचे ड्रॉ किया इसके, और इसमें थोड़ा सा ग्रेश वाइट कलर दे देते हैं, और आउटलाइन इसकी नो कर देते हैं, और इसमें भी जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। अब देखें इसके अंदर अगर पिक्चर लगानी है आप पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाकर शेप्स में जाकर एक रेक्टेंगल ले लिया, और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ ड्रॉ किया कि पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगा लेते हैं हम कैसे, शेप फिल में जाकर इसी शेप में पिक्चर लेकर आनी है, पिक्चर में गए और पिक्चर लगा दी इसमें, और बस जीप कोई टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लाइन टूल लिया, देखें यहाँ लाइन टूल आ रहा होता है शेप्स में,
शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ की मैंने और शेप आउटलाइन में जाकर वाइट कलर दिया और कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से कॉपियां ले ली हमने इसकी। और इसमें अगर आपको जैसे मैंने ओवल लिया एलिप्स टूल ड्रॉ किया वाइट कलर दे दिया शेप फिल में जाकर, इसमें भी मैंने जूम करके आपको वाइट कलर दिखाया था, और आउटलाइन में जाकर आउटलाइन ब्लैक दे दी, ब्लैक तो सॉरी है वाइट ही दे दी, ये ग्रे दे दी या नो आउटलाइन कर दी। तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, एक ये ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमने डार्क ग्रीन कलर दे दिया। अच्छा ये इसके अंदर लेकर आना है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ रखा हमने इसको तो थोड़ा बड़ा करते हैं, और इस ट्राइंगल को हमने रोटेट किया शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से, हम क्या करेंगे इसको छोटा कर दिया हमने इस तरह से, और इसको यहाँ रखा हमने। दोनों को सिलेक्ट किया और ग्रुप में जाकर ग्रुप कर लिया, कर किया हमने। कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक, एक कॉपी ले ली, हाँ फिर कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक, ठीक है जी। तो बस ये इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। आप टेक्स्ट वगैरह जैसे कि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट बॉक्स टूल से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे अगर ये टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने और ड्रॉ किया लेकर, टेक्स्ट लिखा छोटा करते हैं, और इसको हाइस छोटा करते हैं, कलर भी ग्रीन दे दिया टेक्स में जैसा इसके बॉक्स में कलर है। फॉर्मेट में जाकर शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, और इसकी कॉपीज लेके यहाँ रख दी कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से, इसकी कॉपी ली उसको लेके यहाँ रख दिया हमने। एक्सपेल अच्छा देखें, इसी तरह से हम सारा टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज।